Shut up and sit down. के लिए रवाना हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 पे हम लोग निकले हैं। 10 से 15 किलोमीटर दूर है और 10 से 15 किलोमीटर दूर के लिए हमें 20 मिनट तो लगेंगे जाने के। तो पहुंचने के बाद दिखाते हैं आपका रोमांचक रास्ता है। ये आज के हमारे गाइड भी होंगे क्योंकि हम तो पहली बार जा रहे हैं पुष्कर। जिंदगी में पुष्कर देखा नहीं, सुना सुना, तो आज देख भी लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। सारे तीर्थ अधूरे हैं अगर आप पुष्कर नहीं आए तो। पूरी दुनिया आप घूम लीजिए, ब्रह्मा जी का आपको एक ही मंदिर मिलेगा जो कि सिर्फ पुष्कर में है। मोबाइल में लगे हुए हैं, पता नहीं किससे बात कर रहे, चैटिंग किसी से नहीं कर रहे, ऐसे बोलना पड़ता है लेकिन कर रहे हैं। अजमेर का जो लेक हेवन है कुछ इस तरह के सीन है यहाँ के। तो अभी हम लोग पुष्कर रोड पर रुके हैं, एक बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू यहाँ नज़र आया। तो हम लोगों ने सोचा कि रुक के थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया जाए क्योंकि मौसम इतना शानदार हो रहा है। यहाँ का जो व्यू है वो देखो कितना अमेजिंग व्यू है यार। पुष्कर रह गया है 5 किलोमीटर दूर और हम लोग वहाँ से हो चुके हैं रवाना। तो अभी पहुँच चुके हैं हम सावित्री माता मंदिर, जो ऊपर टेम्पल नज़र आ रहा है, बस अभी वहीं चढ़ के जाना है। तो यहाँ का जो व्यू है वो आप देख सकते हो कितना शानदार, एकदम मनमोहक हिंदी में कहें तो। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी वहाँ जो मंदिर है हमें वहाँ ऊपर चढ़ के जाना है, तो बहुत मेहनत लगने वाली है। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं सावित्री माता टेंपल में। यहाँ का जो रास्ता है वो सीढ़ियों वाला है, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, रोप वे भी है लेकिन हमने सोचा कि सीढ़ियाँ ही चढ़ के जाया जाए, कुछ एडवेंचरस है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ बीच बीच में हम लोग शूट कर सकेंगे। तो ओरियो खाते हुए हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है, अभी बहुत ऊपर जाना है, समझ रहे हो ना, मतलब मंदिर तक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ के सीन जो हैं वो कुछ ऐसे हैं। Shut up and sit down. अभी तो बहुत आगे जाना है, इतनी सारी सीढ़ियाँ और चढ़ना है, तो अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। रेगिस्तान में नहीं पहुंचे हैं, मंदिर के साइड में कुछ रेगिस्तान जैसा व्यू मिलता है, तो अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। अभी तो हम यहीं पर पहुंचे हैं, आज बहुत अच्छा खासा वर्कआउट हो जाना है। और सुबह से बता दूँ कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ एक ओरियो बिस्किट इन्होंने मुझे खिलाया, इन दोनों ने, देख रहे हो आप इनको। हाँ अच्छा मैं हूँ यार, पूरा बिस्किट का पैकेट जो है वो ये दोनों खा गए, मुझे दिया सिर्फ एक। कोई नहीं तुम्हारा भाई एक बिस्किट खा के भी 500 सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। 500 की सीढ़ियाँ ज़्यादा है ना, तो टाइम गिनना आप भाई, कह रहा 500 से ज़्यादा है। कोई नहीं चढ़ लेंगे, 1500 है तो ये महाशय बोल रहे हैं कि 1500 सीढ़ियाँ हैं। कोई नहीं 1500 भी चढ़ लेंगे। दीपक भाई आधे रास्ते में हार मान चुके हैं।
अभी वहाँ जाना बाकी है, तो चढ़ते रहो। तो ये जो पीछे रोप वे है, रोप वे ना लेकर हमने सीढ़ियों से जाना सही समझा, क्योंकि हम लोग चाहते थे हर एक स्टेप को एंजॉय करें। हालत ख़राब हो गई है, पसीना पसीना हो गए हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो इसीलिए अब जो पीछे का सफ़र है, यानी अभी वहाँ जाना है हमको उधर टॉप पर, तो वहाँ तक चढ़ने के लिए चलिए सफ़र शुरू करते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो ये जो व्यू है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, तो चलो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो हालत ख़राब हो चुकी है, अभी तो सिर्फ आधा रास्ता हुआ है, आधा भी नहीं हुआ। ये तो आड़ी थी, तो आधे से ज़्यादा अभी बाकी है खड़ी। और दीपक भाई बोल रहे हैं कि क्यों आ गए हम, लेकिन बहुत मज़ा आया। और यहाँ लाइट चली गई है, तो हमने अपने बंदे को चढ़ा दिया ऊपर, उतार चेक कर रहे हैं, लाइन चेक कर रहे हैं कि लाइटें आ रही हैं प्रॉपर या नहीं आ रही हैं। ज़रा छुके बताइए लाइट आई क्या? नहीं आई। मजाक कर रहे हैं, एक फ़ोटोशूट चल रहा था तो उन्होंने उस पोज को चुना। बहुत टाइम हो चुका है चढ़ते चढ़ते, हालत ख़राब हो गई है, पूरी एनर्जी डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी अब चलना है तो चलना ही है, क्योंकि मंदिर अब थोड़ी सी दूरी पर पहुँचा है। जवानों आगे बढ़ो, वीरेंद्र भैया का कहना है जवानों आगे बढ़ो, ये हमारे जवान और वो मंदिर, तो चलिए चलते हैं। तो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सीन कुछ ऐसे हैं, दीपक भाई की हालत ख़राब हो चुकी है, और जितनी सीढ़ियाँ अभी हम चढ़ चुके हैं उतनी ही और चढ़ना बाकी है, क्योंकि मंदिर देखो कहाँ पे, वो पीछे। तो भाई साहब बहुत थक चुके हैं, टाइम हो चुका है 11:30, 11:30 बज चुके हैं, लेकिन जो व्यू है वो बहुत अल्टीमेट व्यू है। हेलो। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वहाँ पीछे मंदिर है, और हम मिले हैं प्रदीप से। प्रदीप नाम है ना, कितना टाइम लगा आपको? मेरे को 1-2 घंटे लग गए। ओहो, 1-2 घंटे हो गए। ये बात चल रहे थे, लेकिन हमसे पहले पहुँच गए, यहाँ मिले हैं। ये यूट्यूब पर आने वाली वीडियो, मेरे चैनल का नाम है आमिर खान व्लॉग्स। क्या नाम है? आमिर खान व्लॉग्स। तो यूट्यूब पर जाके देखोगे ना, और सबको बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। तो अच्छा लगा इनसे मिलके, और इनसे मिलके अच्छा लगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आमिर खान। हाँ, व्लॉग्स बहुत मेहनत लगी है, बहुत पसीना बहा है तब जाके ये वीडियो बन पाई है, और ये आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग भी देखें कि पुष्कर, मैं तो पहली बार आया ही हूँ, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए वीडियो बनाइए। जरूर आए, तो आपकी सेवा के लिए दीपक सिंह। जरूर आए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत अल्टीमेट व्यू है यहाँ आके, और जितना हो सके गर्मी में मत आना वरना हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से सीन कुछ ऐसे हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर की ओर, तो थोड़ी सी दूरी पर गया है मंदिर, चले चलते हैं। जो बंदर हैं, यहाँ बंदर बहुत हैं, और अब मंदिर पहुँच ही चुके हैं, तो मंदिर का नज़ारा देख लो थोड़ा सा। तो फाइनली तुम्हारा भाई सीढ़ियाँ चढ़ के सावित्री माता मंदिर पहुँच ही गया, और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल, और यहाँ की जो ऊंचाई है जहाँ तक हमने सीढ़ियों से रास्ता तय किया है, मुझे लगता है 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर समथिंग तो हो गए, सही एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहले अंदाज़ा लगा रहा हूँ। उसकी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के सफ़र पूरा करके मंदिर पहुँच गए हैं। तो यहाँ से नज़ारे जो दिख रहे हैं आपको वो कुछ ऐसे हैं, और ये पीछे टेंपल है, सावित्री माता टेंपल। यहाँ से हम लोग इस रोप वे के थ्रू जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हमने डिसीजन लिया है कि अब रोप वे से वापस रिटर्न जाएंगे। तो आप पुष्कर से बाहर निकल चुके हैं, और बहुत मज़ा आया पुष्कर घूम के। उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, आपने भी वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब करो, लाल कलर का बटन यहाँ पे उसको ठोक दो, दबा दो, सब्सक्राइब करो, घंटा बजा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर जरूर करना। ओके बाय।